क्या सजा से क्या हैं? सोच बदल जाती है, मैं समाज की सोच बदल जाती है, सिर्फ सजा की बात से नहीं, सजा के सिर्फ बोल देने से या कह देने से समाज की सोच नहीं बदलेगी। सोच बदलने के लिए एक एक बंदे को काम करना पड़ेगा, शुरुआत आपको अपने आप से करनी पड़ेगी। ये जो अभी मेरी जो कलीग मेरे साथ बैठी है वो कह रही है कि क्या हर रोज हम लोग रेप के केस नहीं सुन रहे? बिल्कुल सुन रहे हैं। पहली बात, पहले आज हम रेप का केस क्यों सुन रहे हैं? कुछ दो तीन चीजें आपको ये बताना समझूंगी मैं सही। पहली चीज कि हम अपने घरों से ही ऐसे बच्चे जिनको हम बच्चे कहते हैं और आगे जाकर यही विक्टिम्स जो होते हैं, जहां कहीं ना कहीं ये विक्टिम्स बन जाते हैं घर में, कहीं डिवोर्स केसेस हैं, कहीं ब्रोकन होम्स हैं, कहीं किसी माँ के साथ, किसी के बाप के साथ, किसी की बहन के साथ, कोई ना कोई ऐसा चीज, और वो ना कहीं ना कहीं उस चीज को विटनेस करता है, वहां पर वो विक्टिम होता है। कुछ केसेस की बात कर रही हूं मैं, वहां पे वो विक्टिम होता है और आगे जाके वो ऑफेंडर्स बन जाते हैं और अपना रिवेंज निकालते हैं। किसी को इस तरीके की शिक्षा दी जाती है घर में कि औरतें इसी तरीके की होती हैं, यूज करो एंड थ्रो करो, क्योंकि घर में बाप आता है शराब पी के आता है, अपनी उसकी माँ के साथ बदसलूकी करता है, बहन के साथ करता है, उसने अपने आसपास उस चीज को दिखाता है। तो मैसेज हमें पहुंचाना है इस लड़के को नहीं, सिर्फ मैसेज हमें पहुंचाना है पूरी सोसाइटी को कि जहां पर हमें शुरुआत, जहां से बीज आया है वो बीज खत्म करें। आप जरूर दीजिए पनिशमेंट, हर एक को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, पनिशमेंट उस जगह तक मिलनी चाहिए जहां से ये बीज पनपा। वो पनपा क्यों? क्या आज हम लोग अमेंडमेंट कर देंगे, अमेंडमेंट करने के बाद भी क्या लॉ फ्रेम हो जाने से क्या रेप रुक जाएगा? रेप रोकना है आपने और मैंने, रेप रोकना है अपने घर से, अपने इस बात को हमें समझना होगा, हमें इसको लेकर आना होगा कि अमेंडमेंट हमें अपने घरों में करनी है। ये अमेंडमेंट लॉ में अमेंडमेंट हो जाएगी तो हम लोग अपने घरों को अमेंडमेंट नहीं करेंगे, अमेंडमेंट हम अपने घर में उस लड़के को समझाना होगा कि लड़की के साथ इस तरीके के बदसुलूकी नहीं करी जाती, मुझे रिस्पेक्ट करो, ये कहां है? बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जया जी, अनुजा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात दरअसल फैसले की नहीं, क्योंकि जिन धाराओं में कड़ी, अगर हम जुवेनाइल को हटा दें और एडल्ट की तरफ जाए तो वहां पर तो कानून है, बहुत कड़ा प्रावधान भी है, क्या उसके बावजूद भी वारदात रुक जाती है? शायद। सवाल यहां पर यही है कि अगर इस फैसले को हम नजीर माने नहीं माने, वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस वारदात के बाद जो जागरूकता आई है उसे कम से कम नजीर मानते हुए सोच को बदलने की कोशिश की जाए, ज्यादा बेहतर होगा। मैं इस खास पेशकश करता हूं।